गुलबर्गा शहर में अल फुरखान क्लिनिक में हर वेडनेसडे और थर्सडे यानी चारसोमवार जुमेरात वीक में 2 दिन अक्यूपेंचर के जरिए बढ़िया ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जहां लोग लाइन लगाकर अपने छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों का इलाज आसानी के साथ करवा रहे हैं। हार्ट फेल, लंग फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, ब्रेन डिसऑर्डर, सर्वाइकल पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन, बॉडी पेन, शुगर प्रॉब्लम, वेट लॉस और दीगर हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। और अब तक गुलबर्गा शहर के हागरगा रोड सभा फंक्शन हॉल के अपोजिट रोड पर अल फुरखान क्लिनिक मौजूद था, और अभी इस क्लिनिक के एड्रेस को चेंज कर मालगत्ती रोड सोनिया गांधी कॉलोनी से पहले मेन रोड पर राइट साइड में इस क्लिनिक को शिफ्ट किया गया है। लोग दूर दूर से यहां हर वेडनेसडे और थर्सडे को विजिट कर इलाज करवा रहे हैं और उन्हें फायदा भी हासिल हो रहा है। डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग हैदराबाद से गुलबर्गा विजिट कर हफ्ते में 2 दिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। याद रहे, वेडनेसडे को जनरल पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा और थर्सडे को सीरियस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पहले टोकन लेना बेहद जरूरी है। टोकन के हिसाब से यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नाजिन, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे एक्यूपंक्चर के जरिए न्यूरो के केसेस किए जा रहे थे माशाल्लाह गुलबर्गा में। हमारे लास्ट टाइम के पेशेंट है जिनको बैक पेन में वो सीवियर पेन था, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक्यूपंक्चर करने के जरिए, ना कोई दवाई दी, ना कोई चीज दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जानिब से सिर्फ एक्यूपंक्चर करने से फर्क आ गया। पेशेंट को किस तरह फर्क है अभी आपको इत्तला कराऊंगा कि किस तरह आपको फर्क पड़ा। जी बाजी, आपका नाम है? यास्मीन बेगम। यास्मीन बेगम जी बाजी, आपको प्रॉब्लम कब से था कमर में? मेरे को 6 साल से था। 6 साल से प्रॉब्लम था कमर में। अच्छा, माशाल्लाह बाजी, अभी हम एक्यूपंक्चर करे आपको। हाँ। कोई दवाई दी आपको? नहीं नहीं, कोई दवाई नहीं दी है, सिर्फ एक्यूपंक्चर करे। कितने परसेंट फर्क आया बाजी आपको? पूरा 100%। 100% फर्क आया। आपको जो पेन आया बाजी, इस पेन के ताल्लुक से लोगों में जो मसाइल जूझ रहे लोग, तो आपके जैन से आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आके बता ले सकते, ज्यादा पैसे भी खर्चा नहीं हो रहे। अच्छा, माशाल्लाह बाजी, जो आपको बैक पेन था 100% कम हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सो भी नहीं सकती, सोई तो उठ नहीं सकती थी, लेकिन कम हो गया। सोई तो उठ भी नहीं सकते थे। ये हमारे पेशेंट है जिनको शोल्डर में पेन था, ये शोल्डर का पेन नर्व कंप्रेस हुई थी, करीब करीब कम से कम 8 साल से प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया और एक्यूपंक्चर के जरिए ट्रीटमेंट किया, ओनली और सिर्फ वन सिंगल पॉइंट, सिर्फ सिंगल पॉइंट एक्यूपंक्चर, एक पिन लगाया अल्लाह की तरफ से, 40 से 45 मिनट में अल्लाह की तरफ से जो 8 साल का मर्ज था वो 45 मिनट के अंदर अल्लाह की तरफ से निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट आप देख सकते हैं, इनका हाथ पहले मेरे पास जिस वक्त आया ना इतना ही उठाते थे, और यही हाल कई सालों से था। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट करने के बाद इनका फर्क। आंटी, ये आपको कितने साल से प्रॉब्लम था? 8 साल से था। 8 साल से प्रॉब्लम था। अब पहले हाथ कितना उठता था आपका? नहीं उठाते, इतना जुटता था। अब अच्छा, अब अच्छी तरह उठ रहा। अच्छा। भाई साहब, आपके वालों कितने साल से प्रॉब्लम था? अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपके पास लाने के बाद कम हो गया, तकरीबन 8 साल से जो है मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, ऑर्थोलॉजिस्ट को, जो भी डॉक्टर्स हैं सारे जगह स्कैनिंग कराया और जो है फिजियोथेरापी कराया, लेकिन कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आया। अल्लाह के फजल से डॉक्टर साहब के पास लाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट्स के अंदर जो है खाली एक ही इसके अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हाथ जो है पूरा उठ रहा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जो है डॉक्टर साहब की उम्र दराज करे, अल्लाह ताला यूँ ही आपसे जो है ना फॉर्म का खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और फॉर्म जो है इनसे इसी तरह फैज हासिल करते रहे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। भैया, आपकी जने से अब लोगों को क्या मशवरा देंगे हमारे ट्रीटमेंट के ताल्लुक से? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ पे भी लोग परेशान है डॉक्टर्स को बताकर, वो जो है डॉक्टर साहब के पास आने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह इनको जरिया बनाया, आप लोगों का भी जो है ना इलाज होगा। आप भी जो है जल्द से जल्द जो है डॉक्टर साहब के पास पहुँच कर अपने अपने पेशेंटों को लेकर आइए और उनसे फायदा हासिल करते रहिए। नाजरीन, एक हमारा केस जो अम्बिलिकल हर्निया जो अब्डोमन में रीजन में जो होता है, अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब हर्निया का इशू जब पेट में जब आता है तो अक्सर हॉस्पिटल ले जाके उसको ऑपरेशन करते हैं, जाली डालते हैं उसको, कहीं किसी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन करते हैं, फिर 4-6 महीने 1-2 साल के बाद फिर वो तकलीफ होते रहती है। और खास करके छोटे बच्चों का जो हर्निया का जो प्रॉब्लम होता है, वो बच्चों को जब जिस वक्त वो हर्निया का ऑपरेशन करते हैं उसके पास से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, उसमें ग्रोथ नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल इशू आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक पे ऐसे केसेस अल्लाह की तरफ से बहुत सारे रिकवर हुए, वो उसी में से एक पेशेंट का आज फीडबैक दे रहा हूँ। हर्निया का बहुत सीवियर मसला था, अल्लाह की तौफीक से बहुत कम हो गया, वही फीडबैक देखने के लिए आपके पास आया हूँ माशाल्लाह। आपका नाम बेटे? सैयद अदान। सैयद अदान, सैयद आप क्या प्रॉब्लम था? हर्निया। हर्निया का प्रॉब्लम था। अच्छा, पहले पेट में क्या तकलीफ थी? बहुत सोने नहीं आता था, कुछ पेट में दर्द था। अच्छा, क्या आपको सोने नहीं आता था? सोने नहीं आता था और पेट में खाना खाए बाद बहुत दर्द होता था पेट में। अच्छा, और पेट में तकलीफ बहुत होती थी? हाँ बहुत। अच्छा, अभी कैसा है बेटे? अब ठीक है।
कितने महीने होगा आपको इलाज करके? में 4 महीने। 4 महीने होगा, यानी आप पेट में वो तकलीफ नहीं है आपको, पक्का सही बोल रहे ना? माशाल्लाह, ये आप पेशेंट की रिपोर्ट देख सकते हैं। बिफोर पेशेंट की जो रिपोर्ट से ये 9 जुलाई को ये रिपोर्ट करवाए थे, इसमें 13x7 mm था इसके अंदर, उसमें लीवर का साइज भी आप साथ में देखते हैं 11.7 है। तो ये अपडेट देख सकते हैं अच्छी तरह, 9 जुलाई को यह रिपोर्ट्स देख लीजिए आप, और साथ में देखिए आफ्टर ये रिपोर्ट है, देखिए 5 अक्टूबर को ये स्कैन कराए थे, अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह 7x4 हो गया अभी, यानी 13x7 जाके 7x4 हो गया अल्लाह की तौफीक से, और काफ़ी सारा बच्चे में बदलाव है माशाल्लाह। बाजी ये अपने बाजी एक मिनट, आप आपके बेटे में पहले में अपने क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेटे बहुत अच्छी तबीयत हो गई है उनकी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे को पेट में दर्द सब कम है इस वक्त, तो बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। बाजी ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चे जो ये प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपके इनसे क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर इलाज बहुत अच्छा है, आप किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आके इलाज करा लीजिए। 16 नवंबर को इनको हार्ट का प्रॉब्लम था, ब्लड में क्लेड होने से प्रॉब्लम से हॉस्पिटल एडमिट होने की कोशिश करी, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर इनके डिसऑर्डर्स देख नहीं पाए, सर में दर्द हुआ या नर्व मोटी हुई तो ब्रेन की MRI कर लो, बोले 2D कर लो और एंजियोग्राम कर लो, यहाँ पे एक एंजियोग्राम कर लो, पेशेंट को मोटिवेट करें हॉस्पिटल में पहले तो एडमिट हो जाओ। थोड़ा सा उन्होंने हिम्मत कर ली है, मैं थोड़ा सर्वे करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जाके मैं मालूम करके लूंगा, बल्कि वो बड़ी मुश्किल से वहाँ निकल गए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग निकल नहीं पाते, आप अच्छी तरह जानते हैं, हार्ट पेशेंट को डॉक्टर हॉस्पिटल से निकलने नहीं देते, फैमिली को डरा के मोटिवेट करके उसको निकलने बाहर नहीं देते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत करके आ गए। अल्लाह की तरफ से हिम्मत करके आना, ये अल्लाह का ये एहसान हुआ इन पे कि ये लोग हम लोगों से रुजू हुए, हमारे पास आते चलने वाले सही तरह से डायग्नोज करें, फिर से 2D करें, प्रॉब्लम निकला, फिर साथ साथ में इनके कोलेस्ट्रॉल चेक करवाए, साथ साथ में इनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है बहुत ज्यादा हो गया था, साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड 472 हो गए। आप ये देख सकते हैं रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं आप, ट्राइग्लिसराइड आप देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रही है, देखो टोटल कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल वो चीज़ आप देख सकते हैं, LDL HDL आप देख सकते हैं, ये वैल्यूज इनके चेंज हो गए थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और उसमें मैं साथ साथ में लीवर में इन्फ्लेमेशन भी SGPT SGOT का देखा था, ये भी इन्फ्लेमेशन इसमें हो रहा था, ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यू नो हमारे से रुजू हुए, रुजू होने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट किए, ट्रीटमेंट करने के बाद अल्लाह की तरफ से वही ट्राइग्लिसराइड आप चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट में आप यहाँ शो हो रही है रिपोर्ट जो 475-72 रहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ट्रीटमेंट करे 160 हुआ, यानी CSA 300 ट्राइग्लिसराइड हम लोग खत्म किए विदिन 3-4 डेज में अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं पेशेंट की, अभी कितने हो, और यहाँ डेट भी देख ले सकते हैं, 1 दिसंबर की रिपोर्ट है ये माशाल्लाह, और इसके अंदर जो SGPT SGOT का जो रेशो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माइनस हुआ, 36 जगह 26 हुआ, 28 जगह 20 हुआ, अभी रिपोर्ट देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं। तो अल्लाह की तौफीक से हम बहुत कम वक्त में रिकवर कर पाए इनको, मैं अभी पेशेंट का तारुफ करूँ किस तरह उनको फ़र्क पड़ा। क्या हुआ था जागीर भाई आपको? अब मेरे को एकदम वो हार्ट प्रॉब्लम से पसीना पसीना आ गया था एकदम, और ये रग मेरी तरह फूल गई थी, वो हो गया था उनकी तरफ से वॉमिटिंग हो गए, उल्टिया हो गए थे जी। मैं जॉब पे था जी, जॉब पे लेके मैडम को जाता हूँ बोल के आ गया था जॉब जी। सेकंड दिन असरा में गया था जी, बोलना बोलेगी इसका MRI कराना, ECG लेना, 2 दिन आप एडमिट होना कंपलसरी बोल के जी। मैं बोला नहीं एडमिट तो नहीं हो सकता, मैं अब ट्रीटमेंट शुरू करो, मैं घर पे कर लेता हूँ बोल के, मतलब घर पे लेके फिर आपसे रुजू हुआ जी। दूसरे दिन यहाँ पर आने के बाद जो भी रिपोर्ट आने के लिए करें, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आप ट्रीटमेंट करें, मालिक का एहसान है, अल्लाह का एहसान है कि फ़र्क आपके सामने है, वो रिपोर्ट भी ये रिपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मालिक का एहसान, मेरे भी बहुत फ़र्क हुआ, जो भी आप बोले जैसा भी करा उसके ऊपर अमल हुई समझो, उसके बाद अल्लाह का एहसान है, रिपोर्ट सामने है अपना अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और हर किसी से मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि भाई जितना भी हो सके आपसे रुजू हो बोल के, अल्लाह हर किसी को परेशानी से महफूज रखे, आपको हमको तमाम को, ये आपसे जो है ना ये रिपोर्ट आज देख के करके भी पब्लिक को जो होता जितने भी हो सके आपसे रुजू हो, जैसा बोले होता कर लेना इसके अंदर माशाल्लाह। नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं अल फुरकान क्लिनिक की जानिब से गुलबर्गा में यहाँ
हमारा कैंप रनिंग हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग हमारे फीडबैक देख रहे हैं, अल्लाह की तौफीक से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे जो पेशेंट को करने का, हम लोग एक स्ट्रॉन्गली लेवल पे हम जो काम कर रहे हैं, हार्ट फेल हो गया, लंग्स फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गए, ये केस को ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह न्यूरो के बहुत सारे केसेस है जो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं सर्वाइकल के केसेस, बैक पेन के केसेस, नी पेन के केसेस या स्टमक रिलेटेड केसेस बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जानिब से हो रहे हैं। आप लोगों से दरखास्त कर रहे हैं कि आप लोग आइए, हम लोगों से इस्तेफादा उठाइए। एक दो मैसेज आपको और देना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों को एक उसूल बनाया गया, एक प्रोटोकॉल बनाया गया, इसमें डिस्टर्ब हो रहा है लोगों, आसानी करे इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चारशंबर जुमेरात दो दिन यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चारशंबर के दिन जनरल पेशेंट हम लोग देख रहे हैं और जुमेरात के दिन सीवियर केसेस, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी ये केसेस देख रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये पेशेंट इन दिनों में आने की कोशिश कीजिए, और इन दिनों में आने के में सबसे खास बात ये कि हम 100 पेशेंट से बढ़ के नहीं ले रहे हैं, लिहाजा आप लोगों का सबसे पहले टोकन सिस्टम यहाँ रखा है, टोकन सिस्टम लीजिए। टोकन सिस्टम में भी एक सिस्टम है कि आप उसमें जो टाइम दिया जा रहा है, जैसा कि एक वन पेशेंट से लेके जो 10 पेशेंट है, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, और 11 से जो 20 11 से 20 नंबर जो है वो 12 से 1 बजे तक, इस तरह सीक्वेंस बनाया गया। तो उस ये टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मुश्किल ना हो, हमको मुश्किल ना हो। टाइम की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है, एकदम तो करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि टाइमली इलाज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं लोगों को यहाँ पे टाइम देके इलाज किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को टाइम स्पेंड किया जा रहा है। तो टाइम स्पेंड जब पेशेंट के साथ करते हैं तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, और हर एक को जल्दी जल्दी है, जल्दी होना पॉसिबल नहीं है। सब्र के साथ आइए और टाइम मेंटेन कीजिए, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए, उनको टाइम कीजिए, वो टाइम पे आने की कोशिश कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि जो नंबर ले रहा है वो नंबर के बाद अलग अलग टाइम पे ना आए, ताकि पूरा निजाम धर्म भरम हो जाता। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाजत से कि आप हम लोगों को फॉलो करेंगे। यहाँ का एड्रेस हम लोगों का चेंज हो गया है, वो एड्रेस क्या है अशरफ भाई आपको कन्फर्म करेंगे। अशरफ भाई यहाँ पर अवेलेबल है, आपको जो भी डिसऑर्डर के तौर से हम लोग दवाएं दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस वो पेशेंट को कोऑर्डिनेट करने के में हेल्प करने के में अशरफ भी अवेलेबल है। वो हर पेशेंट को इंशाल्लाह अशरफ भी अटेंड करेंगे और फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे, उनको किस तरह भी देखना है अशरफ भी उनको देखेंगे। आप अशरफ भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9880872620, 9880872620, ये नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। और यहाँ का एड्रेस बोलिए अशरफ भाई। नियर सोनिया गांधी क्वार्टर्स, मालगत्ती रोड, मेन रोड पे राइट साइड में रहेंगे आपको।